हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम जे क्लिक 07 में। दोस्तों आपको पता है मेरा छोटा सा स्मॉल टाइज गार्डन है, ज़्यादा पौधे नहीं है, कम मतलब फिर भी 15 तो पौधे होंगे, 15 के करीब होंगे। और दोस्तों मैंने आपको बताया था, जैसा ये देखो मिर्ची का कलर अब हो गया लाल, आप देख सकते हो पास से बिल्कुल, अब मिर्ची हो गई है लाल कलर की, रेड कलर की बहुत तीखी मिर्ची हो गई है। अब जो है इसका एक और कलर बदलेगा, पहले हरा था अब लाल हो गया है, अब इसका कलर होगा पीला। तीन कलर हो जाते हैं इस मिर्ची के, पीला कलर आएगा तो बहुत सुंदर लगेगा पीला होते ही है। अभी तो लाल हो गया है, पीला भी आएगा अभी, तो मिर्ची जो है और बढ़ती हुई नज़र आएगी आपको। और भी फ्लावर्स आ रहे हैं मिर्ची के बहुत सारे, इसी पौधे में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, बाकी और भी आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये सूख रहे हैं पौधे, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये जो फ्लावर्स आते हैं मिर्ची के सूख क्यों जाते हैं। देखो मिर्ची बहुत सुंदर लग रही है दोस्तों देखने में, आपको पता ही है ग्रीन से रेड हो गई है, रेड से येल्लो हो जाएगी, हरी लाल और पीली हो जाती है, तीन कलर हो जाते हैं। देखो अभी और फ्लावर्स आ रहे हैं इसके अंदर, ये देखो कितनी सारी कलियाँ आ रही हैं आप देख सकते हो, तो बहुत अच्छा लग रहा है लाल कलर मिर्ची का देखने में, पास से भी अच्छा लग रही है दूर से भी। तो धन्यवाद, आगे वीडियो देखते ना, पूरा वीडियो देखें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आज सुबह से जो है पानी नहीं डाला था पौधों में, अभी आया हूँ मैं क्योंकि घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई रात में, तो इसलिए एमरजेंसी हॉस्पिटल जाना पड़ा, कल से नाइट से जो है हॉस्पिटल में ही है। अब यहाँ पे देखो कितने कलियाँ आ रही हैं, ये भी अभी सब में वाटरिंग करी है दोस्तों, क्या करूँ टाइम, घर की भी मजबूरी हो जाती है ना, तो पौधों को मैं ध्यान नहीं दे पाया आज, लेकिन जो है अभी पानी डाला है सब सही हो जाएंगे थोड़ी देर बाद। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये गुड़हल का पौधा है, देखो कैसे पत्ते लटक गए पानी नहीं डाला तो, वरना आपको पता है मैं दो बार वाटरिंग करता हूँ, सुबह और एक बार 4 बजे के बाद, आप तो जानते ही हो मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको पता है सब कुछ जो लोग वीडियो देखते हैं। ये देखो टमाटर का पौधा भी मुरझा चुका है, और ये देखो कितने सफ़ेद कीड़े आ गए हैं दोस्तों, ये देखो कितने सारे सफ़ेद कीड़े हो गए हैं। तो अब जो है आज इसमें हल्दी डाले बिना मैं मानूंगा नहीं, हल्दी ज़रूर डालूंगा, अभी नहीं तो शाम को थोड़ी थोड़ी डाल दूंगा ताकि कीड़े अपने आप हट जाएंगे। पता चट्टा का पौधा है, देखो लीव्स जो आ रहे थे बड़े हो गए कितनी जल्दी, आपको पता है मेरे सारे पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं, बट लेकिन आज ध्यान नहीं दे पाए इसलिए इनको दिक्कत हो गई। देखो इसकी कलियाँ भी कैसे लटक गई हैं, अभी पानी डाला है थोड़ी देर में इनको, और मतलब खाने की पूर्ति हो जाएगी पानी से, धूप तो इन्होंने बहुत ले ली लेकिन पानी भी चाहिए होता है, तो खाना इनको प्रॉपर वही खाना होता है इनका, हवा धूप पानी, तो ये और कुछ नहीं चाहिए होता इन्हें, खाद चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए। ये भी मिर्ची का पौधा है आप देख सकते हो, ये भी मिर्ची का, ये भी मिर्ची के हैं, अंदर भी देखो कितने मिर्ची के पौधे लग रहे हैं। बाकी ये पौधा है, यहाँ जो दिख रहा है, यहाँ जो दिख रहा है आपको दिखाया अभी मैंने, वो पुदीने का पौधा है, आपको पता ही है। देखो पुदीना जो है हरा भरा ही रहता है, पानी अभी मैंने सब में डाला है, तुलसी माता भी देखो हरी भरी है, सब में वाटरिंग करी है अभी जस्ट आकर, तो धूप में बहुत ज़्यादा आज इनको कम से कम 12-13 घंटे हो गए हैं धूप में, तो इनको दिक्कत हो गई धूप से बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों लेकिन मैं ध्यान रखूँगा कल से ऐसा नहीं होगा, घर में भी कुछ प्रॉब्लम होती है उसको भी देखना पड़ता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है। धन्यवाद पूरे वीडियो देखे, और मेरी जो शुरुआत में मिर्ची दिखाई मैंने आपको रेड कलर की, वो कैसी लगी। और भी पौधे देखो कितने सारे मैरीगोल्ड के पौधे हैं, उसमें भी देखो कितने सारे कीड़े हो गए हैं वाइट वाइट, ये देखो कितने कीड़े हो रहे हैं आप देख सकते हो। तो ये भी अब धीरे धीरे इनका भी सीज़न डाउन हो गया, लेकिन फ्लावर्स नहीं देंगे, पौधे आ गए हैं बहुत सारे। तो धन्यवाद पूरा वीडियो देखें MJ Click 07, कमेंट करके जरूर बताना मेरे तो छोटा सा स्मॉल टाइज गार्डन कैसा लगता है आप लोगों को। और फल फूल जो मेरे आ रहे हैं आपको दिखाई दिया मैंने, देखो लाल कलर की मिर्ची अलग ही चमक रही है। तो धन्यवाद पूरा वीडियो देखें, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल MJ Click 07। छोटा स्मॉल टाइज गार्डन है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। ये केल का पौधा भी देखो आप देख सकते हो, इसमें भी जो है बीज आएगा, मतलब अगले साल उसको हम बो सकते हैं ताकि पूरा दोबारा प्रॉपर पेड़ उग जाए। अब यहाँ पे भी देखो न्यू लीव्स आने स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी वाटरिंग नहीं करी ना आज, तो सब पौधों को दिक्कत हो गई। कोई बात नहीं, इनको सॉरी भी बोल दिया मैंने कि आज पानी नहीं डाल पाया। तो धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखें, और कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग ना करें ऐसा, थोड़ा बहुत पानी ज़रूर डालना है, चाहे एक बार डालें चाहे दो बार, लेकिन मैं दो बार ही डालता हूँ, आज ही बस दिक्कत हो गई। तो धन्यवाद पूरा वीडियो देखें, MJ Click 07 चैनल का नाम है, और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।